वीडियो के माध्यम से राम मंदिर में आए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस समय जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बन रहा है, उसके सामने का जो गेट है, गेट के आगे का ये व्यू आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर। ये जो सूर्य के गोले रखे गए हैं, इनमें ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, गेट के बीचों बीच से जब आप निकलेंगे तो रोड जाती है और रोड के किनारे किनारे इन खंभों को खड़ा किया गया है। और सबसे अच्छी चीज इसमें ये देखने को मिलेगी आपकी कि खंभे में देखिए जय श्री राम का नारा आपको गूंजता हुआ, आपको लिखा हुआ नजर आएगा। और खंभों के ऊपर ये जलते हुए सूरज को दिखाया गया है। इसका एक रीजन है फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ जानकारी देंगे। इस तरफ मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, देखिए दीवारें बनी हुई हैं और उसमें राम जी के जिंदगी को चित्रण किया जा रहा है और अभी बहुत ज्यादा वर्क चल रहा है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी का पहरा है, लेकिन इसमें देश विदेश से बहुत सारे लोग इस समय केवल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि राम मंदिर की जो सुंदरता है उसको बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। अभी आपको इस वीडियो में ही आपको दिखाएंगे। देखिए ये आप जो इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मुख्य द्वार पर सूर्यदेव की प्रतिमा को दिखाया गया है। सात घोड़ों के साथ सूर्यदेव भगवान की प्रतिमा है जो राम मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सबसे पहले मुख्य गेट पर ही ये प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। अंदर चलते फ्रेंड्स, अंदर आपको चल के दिखाते हैं। तो हम फ्रेंड्स अंदर आ चुके हैं और अंदर आते ही कुछ और ज़्यादा अंधेरा हो गया है, लेकिन जितना अंधेरा बढ़ा है फ्रेंड्स, वो अंधेरे के साथ साथ बढ़ते अंधेरे के साथ साथ जो राम मंदिर की सुंदरता बढ़ी है उसमें जो इजाफा हुआ है वो आपको स्क्रीन पर इस समय नज़र आ रहा होगा। अब पुलिस वाले खड़े हैं लेकिन कोई भी फोटो या फिर वीडियो बनाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आप उस उन सभी चीज़ों में फोकस करने के बजाय आप इस समय मंदिर की सुंदरता कितनी ज़्यादा बढ़ी है आप उस पर फोकस करिए। देखने को उस तरफ जो गेट जा रहा है, ये फ्रेंड्स गेट सीधा नदी की तरफ जा रहा है, यानी कि घाट की तरफ जा रहा है। और इस समय हम बीचों बीच चौराहे पर खड़े हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ आपको दिखाऊं, ये देखिए वीड़ा है, यानी कि ये लता मंगेशकर चौक पर इस समय हम खड़े हैं। ये जो वीड़ा आप देख रहे हैं ये 40 फुट लंबी और 14 टन वजनी है फ्रेंड्स। इस वीड़ा का वीडियो मैंने स्पेशल अलग से बनाया हुआ है जो कि चैनल पर पड़ा है, जाके फ्रेंड्स उस वीडियो को देखिए। इस वीड़ा का एक एक हमने इस वीड़ा की जो इतिहास है, इस वीड़ा को क्यों और कहां पर किस लिए रखा गया है, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है। फिलहाल आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये जो सूर्य रखे हुए हैं, सूर्य भगवान जो खंभे के ऊपर हैं, इन्होंने बढ़ते अंधेरे के साथ साथ अपनी जो सुंदरता में इजाफा किया है उसको जरा फोकस करिए। अभी बहुत सारे खंभे ऐसे हैं जिनमें इन सूर्य भगवान को, यानी कि जो गोलाकार आकृति के रूप में सूर्य को रखा जा रहा है, सूर्य भगवान को रखा जा रहा है, अभी बहुत सारा काम अभी बाकी है, तो बहुत सारी जगह भी रखे भी जा रहे हैं। लेकिन जो रात के समय का दृश्य है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि कितना प्यारा दृश्य है यहाँ पर। देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है सरयू अतिथि ग्रह, यानी कि ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ये नदी की तरफ जा रहा है। और देखिए वीड़ा जो आपको सामने नज़र आती होगी, कुछ पुलिस वाले ट्रैफिक की वजह से रोक लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लेकिन वीड़ा आपको नज़र आ रही है। तो कौन कौन 22 जनवरी को अयोध्या आ रहा है फ्रेंड्स, कमेंट करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।